आपने इनकी इनकी समस्या का हल करने के लिए क्या प्रयास किया है और कब तक आप इनका वेतन दिलाएंगे? बड़ी मदद भी कर रहे हैं, तीन तीन महीने से इन्हें वेतन नहीं मिल रहा है, उसके बावजूद भी ये अपने हम लोग और आप लोगों की हम सेवा करने पर लगे हुए हैं। क्या इनका नैतिक जिम्मेदारी नहीं है, इनका उत्तरदायित्व नहीं है कि हम लोगों को वेतन दिलाएं? ये लोग मुझे तो ऐसा लगता है डेढ़ घंटे में हम लोग यहाँ बैठे हैं, ये चाह रहे हैं कि वो चाहते हैं कि हड़ताल चले। उनके अब तक ना आने से तो ऐसा ही लग रहा है कि वही चाह रहे हैं कि जनता परेशान रहे। ये आज जो भी हो रहा है, जो आप लोगों को परेशान, पूर्ण रूप से हमारे जो है मेडिकल प्रशासन जिम्मेदार है। आप लोगों से यही गुजारिश रहेगी, जब भी कोई हमारे अधिकारी आते हैं आप उनसे सवाल करिएगा कि तीन में तो हम निकले डिस्ट्रिक्ट के लिए, बट यहाँ पे बहुत स्ट्राइक चल रही थी क्योंकि इन लोगों की क्या कहते हैं वेतन कम से कम 3 महीने से नहीं मिल रहा था। तो बस फ्रेंड ही हम क्योंकि हम भी बहुत परेशान इसमें जूझते हैं कि हमारी भी सैलरी नहीं आई थी टाइम से, तो बट फ्रेंड क्या करें, अब घर जा रहे हैं। घर पे ऐसे ही आ गए, पता मेरे साथ आज क्या हुआ, वहाँ गए देखा तो डॉक्टर और नर्सेज जो थी स्ट्राइक पे बैठे हुए थे, 3 महीने से उनका वेतन नहीं आया था तो वो स्ट्राइक पे सारे थे। तो हम लोग तो दिखाने ही गए थे डॉक्टर को, तो बस बहुत टाइम बाद तो हम लोग का निकलना हुआ तो वहाँ देखा स्ट्राइक। और वह फ्रेंड्स पता क्या हुआ, वैसे तो पता ही आपको मैं नहीं बोल पाती हूँ सही से, मुझे थोड़ा सा अजीब लगता है बोलना। और वहाँ पे वहाँ गए तो हम थोड़ी देर में खड़ी हुई थी, थोड़ा सा मैंने ब्लॉग बनाने के लिए मैं थोड़ा सा मैंने वीडियोज़ बनाई, तो वहाँ पे एक डॉक्टर साहब उठ के आए और वो मुझसे कहने लगे क्या कहते हैं थोड़ा सा दो बात आप भी बोलिए, हम जो स्ट्राइक कर रहे हैं सही है गलत है क्या है। तो फैन मुझसे नहीं बोला जा रहा था, मेरे हाथ में माइक था और मेरे हाथ भी कांप रहे थे, जबान भी मेरी सूख रही थी मगर तो बस शब्द मैंने बोला कि हाँ जो भी इनकी मांगी थी वो जायज़ थी, क्योंकि फैन 3 महीने से इनकी सैलरी नहीं आई। तो मैं समझ सकती हूँ जो एक इंसान जॉब करता है कि उस पर क्या बीतती है जब सैलरी नहीं आती है, और अभी जैसी सैलरी होती है वैसे खर्चे भी बड़े होते हैं, कैसे वो खर्चे अफोर्ड कर पा रहे होंगे, क्योंकि फ्रेंड हम लोग भी बहुत परेशान। अच्छा 5-5 महीने तक रुकी है हमारी सैलरी, तो हमें पता है कि हम क्या कितने परेशान हुए, तो मैं भी समझ सकती हूँ कि वो भी बहुत परेशान हुए होंगे। आई होप से उनकी भी सैलरी देनी चाहिए, टाइम से मिलनी चाहिए सबकी सैलरी। ओके फ्रेंड, अगर आपको ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और कमेंट में जाइएगा कि क्या मैंने सही बोला था। बाय बाय फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। जय श्री श्याम।